गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट यूनिट 8, द ग्रेट हीरो। आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? ग्रेट हीरोज के बारे में। क्या ख्याल आ रहा है मन में? सलमान, शाहरुख, रणवीर? नहीं नहीं, आज हम फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ग्रेट हीरो ऑफ अवर नेशन। इंडिया इज अ ग्रेट नेशन। In India, we had many great personalities that sacrificed their lives for freedom, pride and glory of the nation. Activity 1 में हम पढ़ने वाले हैं कि इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिन्होंने अपनी जान गवा दी, किसके लिए? हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए, उनके ही बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। पेज नंबर 67 पे 9 फोटोग्राफ्स है, किन की? इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स की। लेकिन ये जो फोटोग्राफ्स है, ये सारी बचपन वाली है। हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ ग्रेट हीरोज ऑफ इंडिया, ट्राई टू रिकॉग्नाइज देम एंड शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट दीज लेजेंडरी पर्सन्स विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स। टेल हुम यू लाइक द मोस्ट। आपके लिए आसानी हो, इसलिए मैंने इन सारे फ्रीडम फाइटर्स के नाम ढूंढ के रखे। अभी आपको क्या करना है? आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और एक दूसरे से डिस्कस करके अपना फेवरेट फ्रीडम फाइटर चुनना है। ओके बच्चों, सो दिस इज महात्मा गांधी। हु इज महात्मा गांधी? फादर ऑफ अवर नेशन। महात्मा गांधी का फोटो आपने हर जगह कैसे देखा है? चश्मा पहने, हाथ में लाठी लिए और दादाजी जैसे बूढ़े, लेकिन ये उनकी बचपन की तस्वीर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जी हाँ, आयरन मैन। ओके, दिस इज भगत सिंह। सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, कल्पना चावला, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी एंड सचिन तेंदुलकर। इन सारे हीरोज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी। दीज आर ग्रेट हीरोज ऑफ इंडिया। इनके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके, आपको डिस्कस करके, आपको अपना फेवरेट हीरो चुनना है। लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 2 फ्रॉम पेज नंबर 68। मोहन डिड नॉट कॉपी। ये है मोहन और ये है उनके टीचर। मोहन कॉपी नहीं करता। कौन है ये मोहन? जी हाँ बच्चों, मोहन मीन्स मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी ने हमें सच्चाई की राह पे चलना सिखाया है ना। लेट्स स्टार्ट द लेसन। पुट योर फिंगर ऑन द लेसन। व्हाट मेड मोहनदास गांधी अ महात्मा? मोहनदास गांधी को महात्मा किस चीज ने बनाया है? आज हम वही देखने वाले हैं। पूरा राष्ट्र उनको क्यों राष्ट्रपिता कह के बुलाता है, उनको क्यों महात्मा पदवी दी गई है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। When he had many qualities, he loved truth, he practiced truth, this made him great. उनके पास बहुत सारी क्वालिटीज थी, उनको सच्चाई पसंद थी, वो हमेशा सच्चाई से ही चलते, सच्चाई पे ही चलते थे और इसी चीज ने उनको महान बनाया है। ही वॉच हिज ओन एक्शंस, ही ऑलवेज आस्क हिमसेल्फ, इज माई एक्शन राइट और रॉन्ग, इज इट गुड और बैड, डिड ही डू दिस फ्रॉम चाइल्डहुड? यस ही डिड। वो अपने खुद के एक्शन पे ध्यान देते थे, वो जिस तरह से एक्शन करते थे उनको पहले खुद को ही वो ध्यान से देखते थे कि उन्होंने जो भी एक्शन की है वो राइट है कि रॉन्ग है। पहले खुद से पूछते थे कि उन्होंने जो भी कुछ किया वो सही है या गलत है, अच्छा है या बुरा है। और ये जो उनकी सीख थी, ये उनके बचपन से ही थी, उनका नेचर बचपन से ही ऐसा था। मोहन वॉज अ स्टूडेंट इन राजकोट। He did not always stand first in his class, but he was always honest. Once the school had its annual inspection, the inspector went round all the classes. He also went to class 5th. Mohan was a student in that class.
It was an English class. The inspector gave a spelling test. He dictated 10 words. One word was kettle. Mohan did not know the spelling of this word. He spelled the word wrongly. The teacher saw the wrong spelling in Mohan's slate. He made a sign to Mohan, copy the word from the neighbors. Did Mohan understand the sign? Yes, he did. Did he copy the word? No, he did not. एक दिन क्या हुआ बच्चों? मोहनदास गांधी राजकोट में पढ़ाई करते थे. वहाँ पे एक दिन इंस्पेक्टर आए. इंस्पेक्टर मतलब पुलिस इंस्पेक्टर नहीं, स्कूल में जो चेकिंग करने के लिए आते हैं वो. मोहनदास करमचंद गांधी तब फिफ्थ स्टैंडर्ड में थे और एनुअल इंस्पेक्शन के लिए जब वो इंस्पेक्टर आया तो मोहनदास करमचंद गांधी जी की क्लास में उन्होंने स्पेलिंग की टेस्ट ली. 10 स्पेलिंग उन्होंने डिक्टेट किए जो बच्चों को स्लेट पे लिखने थे. लेकिन मोहनदास गांधी जी जो ऑनेस्ट थे उनको एक स्पेलिंग नहीं आया, जो उन्होंने उसका स्पेलिंग जो है वो रॉन्ग लिखा. वो वर्ड था कैटल. तब उनके टीचर का ध्यान गया और उनके टीचर ने उनको साइन की कि बाजू के बच्चे में से आप देख के उसको सही करो. तो क्या मोहनदास जी को टीचर ने जो बताया उसको समझ में उनको समझ में नहीं आया? जी नहीं, ऐसा नहीं है. टीचर ने जो भी साइन की उनको समझ में आ गई, लेकिन उन्होंने कॉपी नहीं किया. After some time, the inspector left. The teacher was angry. The teacher said to Mohan, I made a sign to you, but you did not understand. The other student laughed at him, but Mohan was not sorry. Mohan was honest. He did not cheat himself for the others. Perhaps this made him a Mahatma. थोड़ी देर बाद जब इंस्पेक्टर चले गए, टीचर को बहुत गुस्सा आया. टीचर ने मोहन को डांटा और कहा कि मैं तुमको साइन कर रहा था, मतलब बता रहा था, तो तुमको समझ में नहीं आया. और बच्चों आपका कैसा होता है, जब एक बच्चे को टीचर डांटते हैं तो दूसरे को तुरंत हंसी आती है. सेम उनके क्लास में भी वही हुआ, लेकिन इस चीज़ का गांधी जी को बुरा नहीं लगा. वो सच्चाई की राह पे चलने वाले थे. वो खुद को या दूसरे को चीट नहीं करते थे और यही चीज़ है जो उनको महात्मा बनाती है. लेट्स सी एक्टिविटी 4. हियर इज अ स्मॉल पोएम अबाउट महात्मा गांधी. महात्मा गांधी वी एडोर, मतलब हमें महात्मा गांधी जी के बारे में डीप लव एंड रिस्पेक्ट है. क्यों है, अभी वो हम इस पोएम में देखेंगे. गॉड इज ट्रूथ, यू सेड. क्या बताया आपने? आपने कहा कि सच्चाई में सच्चाई ही भगवान है. फ्रीडम यू चेरिश, नॉन वायलेंस यू प्रैक्टिस, नोबल सोल यू आर अ रोल मॉडल फॉर ऑल यू आर द महात्मा वी एडोर. महात्मा गांधी जी ने कहा कि सच्चाई ही भगवान है और उन्होंने हमें प्रोटेक्ट किया, हमें प्यार दिया, हमें नॉन वायलेंस मतलब शांति की राह पे चलना सिखाया. उनका जो मन है उनके पास कैसी क्वालिटीज है, गुड एंड मॉरल्स है. वो सबके लिए एक रोल मॉडल है. क्या है सबके लिए? एक रोल मॉडल. और इसीलिए हम महात्मा गांधी जी को डीपली लव करते हैं.